लिविंग हैप्पीली के उस सब श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं क्लोज ग्रिप, क्लोज पुशअप की चैलेंजिंग है। अगर आप स्टैंडर्ड पुशअप कर पा रहे हैं, वाइड पुशअप कर पा रहे हैं, तभी इसके लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि क्लोज ग्रिप पुशअप एक बड़ा ही एडवांस्ड कैटेगरी का है। आसान बनाने के लिए अपनी नी पर कर सकते हैं नी पुशअप जैसा। वाइड पुशअप किसी ऊंचे जगह पर अपने दोनों हाथों को निकट रख के भी कर सकते हैं। भारी बनाने के लिए अपने पीठ पर कुछ कमर पर लोड भी रख सकते हैं। को हम मेडिसिन बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल पर भी हम कर सकते हैं। ग्रिप पुशअप से हमारे इंटीरियर डेल्टॉइड, पेक्टोरियल्स मेजर और ट्राइसेप ब्रेचेजी, ये तीनों एक्टिवेट होते हैं और मजबूत होते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, क्लोज ट्राइस पुशअप या हमारे टारगेट करते हैं चेस्ट को, ट्राइसेप को और शोल्डर को, अपर बॉडी एक्सरसाइज है। दौरान हमें ध्यान देना है हमारे लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों बिल्कुल स्ट्रेट रखना है थ्रू आउट मूवमेंट। भी कार्डियो एक्सरसाइज के लिए मित्रों वार्म अप जरूरी होता है, तो इसके लिए भी जरूरी है आप दौड़ लीजिए, कूद लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, पोजिशन में आके इसको किया जा सकता है। प्रकार की क्षति ना हो इसके लिए आपको बिल्कुल केयरफुल करने के मेथड पर अगर ध्यान दिया जाए, तो इसके लिए हमें पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाना है, अपने दोनों कलाइयों को कंधों के नीचे कर लेना है और फिंगर टिप्स को बाहर की ओर पॉइंटिंग फॉरवर्ड्स रखना है। गर्दन और बैक को बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। स्पाइन को राउंड या आर्च नहीं करना है, हमें अपने कोर को इंगेज कर लेना है। दोनों हाथों के बीच सिर्फ 2 इंच का गैप रखिए और अपने एल्बो को टक कर लीजिए, रिब्स के करीब कर लीजिए जैसे आप नीचे जा रहे हैं। इन बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में ही होना चाहिए जब हम नीचे भी जा रहे हों। अब अपने हाथों को पुश करते हुए ऊपर की ओर वापस नॉर्मल पोजीशन में, स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाइए। इसी तरह से पूरे शरीर को, स्पाइन को, गर्दन को सीधा रखते हुए नीचे जाइए, एल्बो को टक करके और फिर ऊपर आ जाइए। इस तरह से ये एक सेट हो गया, एक रेप हो गया। इस तरह से आप 8 से 10 रेप्स कर सकते हैं और जितना सेट हो रहा 3 सेट तक भी कर सकते हैं। फुली और स्लोली ही सारे मूवमेंट्स करने हैं। अगर इसके फायदे की बात की जाए तो क्लोज ग्रिप पुशअप यह हमारे अपर बॉडी के लिए है, जो कि मदद करता है शक्ति के विकास के लिए, हमारे दोनों बाजुओं के लिए इंडोरेंस बढ़ाता है, हमारे मसल को बिल्ड करता है, इसे मजबूत करता है और इसके साथ साथ जॉइंट्स को भी यह मजबूत करता है। यह हमारे ब्रेस्ट और आर्म्स को भी टोन करता है। पुशअप करने से अगर आप नियमित रूप से कर रहे हैं तो मजबूत बाजू के साथ साथ आपको उठे हुए सीना भी मिलेंगे। इसी तरह से खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, फुर्तीला रहिए और हमारे साथ लिविंग हैप्पी पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिले। आपको कुछ पूछना है, बताना है तो कमेंट का यूज कीजिए। अच्छा लगता है तो अपने मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।